नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम डॉक्टर सुषमा सिंह की आशीर्वाद यह कहानी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आशीर्वाद यह कहानी देखते हैं। आशीर्वाद इस कहानी को देखने से पहले हम इस कहानी के पात्रों का परिचय देखेंगे। ठीक है, इस कहानी में जो मुख्य पात्र आए हैं उसमें है भुवनेश, जो कुसुम का पति है और इस कहानी का नायक है। कुसुम जो भुवनेश की पत्नी है और इस कहानी की नायिका है। शुभांगी जो भुवनेश की और कुसुम की बेटी है। निमेश की प्रेयसी है। आलोक कुसुम का राखी बंध भाई है। निमेश शुभांगी का प्रियकर है। और अन्य पात्र में जैसे भावना, मिसेस मेहता, आनंद मेहता, जो अप्रत्यक्ष रूप से कहानी में प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, अब इस कहानी में जो आया हुआ है या कहानी की जो कथा वस्तु है इसको हम देखेंगे। सुषमा सिंह, डॉक्टर सुषमा सिंह का परिचय हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। आज हम सिर्फ उनकी आशीर्वाद इस कहानी का परिचय या संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सारांश या इसकी कथा वस्तु। कहानी की शुरुआत जैसे शुभांगी और निमेश के विवाह से होती है और उसी शादी में अनेक युवतियाँ, मतलब अनेक स्त्रियाँ रंग बिरंगी साड़ियाँ पहने हुए सज धजी हुई इधर उधर घूम रही है। तभी कन्या का जो पिता है होने का दायित्व भुवनेश निभाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और भुवनेश का जो चरित्र है वैसे उसका जो भूतकाल है उसको अपने बेटी की शादी में याद आ रहा है। तभी उसे अचानक अपना भूतकाल याद आता है, पहली शादी जिसमें उसने भावना नामक एक लड़की के साथ अपनी नज़रें मिलाई और दोनों आपस में एक दूसरे के प्रेम में इतने उलझ जाते हैं। और वहाँ एक किस्सा ऐसा बताया है कि दूल्हे के जूते के कारण विदाई होने तक भुवनेश ने भावनाओं को अपने वश में कर लिया था। एक तरह से दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए थे। किंतु जब भावना ने शादी की बात भुवनेश से कही या की तो वह मुकर जाता है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह सिर्फ भावना का दोष है, भावना की मर्जी से हुआ, ऐसा कहते हुए वह अपने हाथ झटकाता है और रिश्ता जो बनाया था उसे वह मुकर जाता है, मतलब रिश्ता तोड़ देता है। इसके बाद भुवनेश ने अनेक प्रेम संबंध बनाए। प्रेम संबंधों का उसका सिलसिला निरंतर जारी रहा। लेखिका ने कहा है कि भुवनेश लड़कियों का रसिया था। एक तरह से अलग अलग लड़कियां, अलग अलग लड़कियों को रखना या अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाना ये उसका शौक बन गया था। कॉलेज कैंटीन की लड़कियों को फंसाता, कोई अपने आप फंस जाती थी। लड़कियों को फंसाने के लिए भी उसके अलग अलग तरीके थे, किसी की तारीफ करना, किसी को पिक्चर दिखाने लेकर जाना, किसी को कुछ देना। लड़कियां उसके लिए सिर्फ रस लेने का एक माध्यम थी। और परिवार में तब माता पिता ने उसकी शादी कुसुम नामक एक लड़की से करवा दी। कुसुम हालांकि एक सर्वसाधारण लड़की है जिसके साथ भुवनेश की शादी हुई है। माता पिता के आग्रह के कारण वह टाल नहीं सका और उसने कुसुम के साथ विवाह किया। उसके बाद उसको एक बेटा और एक बेटी हुई और बेटी शुभांगी, बेटे का नाम इस कहानी में नहीं दिया हुआ है, और बेटी जो पेंटिंग का शौक रखती है, पेंटिंग करती है, चित्रकला करती है। तभी उसकी मुलाकात निमेश नामक एक प्राध्यापक से हो जाती है जो भी पेंटिंग में रुचि रखता है। और ऐसी ही एक पेंटिंग की कार्यशाला में वो दोनों मिलते हैं, प्रेजेंटेशन इसका देखिए, इसकी पेंटिंग की तारीफ करते हैं। और निमेश और शुभांगी का प्रेम एक दूसरे पर है और वो इस दिनों में बाहर गया हुआ है अपने एक इंटरव्यू के सिलसिले में। और इस इंटरव्यू के सिलसिले में वो बाहर गया, उसको नौकरी भी मिलती है, वापस आता है। लेकिन यहाँ एक बात बताने जैसी है कि भुवनेश ऑफिस के स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है। ऑफिस की अपनी सेक्रेटरी को या सेक्रेटरी पद पर स्त्री को रखकर वो हर महीने एक नई सेक्रेटरी की खोज में रहता है। जब तक उसका मन चले उस स्त्री के साथ वो रहता है, जब उसका मन नहीं रहा तो उसके साथ के जो संबंध है वो तोड़ देता है। मिस्टर मेहता की पत्नी है तो उसके साथ भी उसके संबंध बनाता है, उसको एक महंगी गिफ्ट भी देता है। और जब ये पत्नी को बातें पता चलती हैं तो पत्नी उसको पूछती भी है कि ये
आपने कैसा इतनी बड़ी महंगी गिफ्ट दी। तो ये सब सुनने के बाद भी वो अनसुना करता है, बिना कुछ जाने या बिना कुछ न समझे ऐसी बातें वह करता है, और बेवजह अपनी पत्नी को ही डांटता रहता है कि तुम बेअक्ल हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, और तुम बेवजह शक करती हो, सवाल जवाब करती हो, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कुसुम उनकी बातों से तंग आ चुकी है। कुसुम को अपने पति का व्यवहार पता चल जाता है, फिर भी वो चुपचाप है। अपने बच्चों के लिए वो शांत है, फिर भी अपने पति को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन भूनिश है, समझाने का कोई नाम तक नहीं लेता। उल्टा वो पत्नी के ही चरित्र पर संशय जब करता है जब उसका भाई यहाँ आता है। अब यहाँ एक बात स्पष्ट है कि यहाँ कुसुम का राखी बंद भाई है आलोक, जो उसे अचानक मिलता है बाजार जाने के बाद। तब वो दोनों की मुलाकात होती है। कुसुम अपने परिवार के बारे में पहले ही भेंट में बताना नहीं चाहती, लेकिन आलोक उसको विश्वास दिलाता है, तब वह सब कुछ अपने भाई को बता देती है। और जब वो धीरे धीरे भाई आलोक घर पे आने लगता है, तो आलोक का और कुसुम का रिश्ता भले ही भाई बहन का हो, लेकिन पति के नज़र में उनके रिश्ते के प्रति एक संशय बैठ जाता है। उसको लगता है कि मेरी पत्नी ही वैसी है, खुद वैसा होने के वजह से अपने पत्नी पर शक करता है और पत्नी को बेवजह डांटता है। जब भी वो घर पे आता है, कुसुम किसी न किसी बहाने से आलोक के साथ गई है ऐसा उसके सुनने में आता है, तो उसे बहुत क्रोध आता है और इस कारण वो डांटता फटकारता भी है। अब ऐसा होता है कि एक दिन जब वो घर आता है, तो कुसुम बहुत नाराज सी सोफे पर बैठी हुई है, और ये जब उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे आलोक को कुछ हुआ तो नहीं है, तब वो कुसुम अपने शुभांगी के रिश्ते के बारे में बताती है कि शुभांगी और निमेश एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं। तब इसके समझ में नहीं आता, तब वो अपनी पत्नी को बहुत डांटता है कि तुमने अपने बच्चों को वही संस्कार दिए हैं, तुमने क्या किया घर पे रहकर, तुम अपने बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं दे सकी, मेरे बच्चों को, ऐसा वो सवाल करता है, मेरे बच्चों को तुम अच्छी तरह संभाल भी नहीं सकी, तुम करती क्या हो, तुम ही बाहर ऐसे गुलछरे उड़ाओगी तो बच्चे क्या करेंगे। बेवजह पत्नी को, हालांकि पत्नी वैसी नहीं है, वो अपने पति की है, लेकिन वह अपने पत्नी को बेवजह डांटता है, कुछ भी बोलता है उसके और आलोक के रिश्ते को लेकर। पत्नी चुपचाप सह लेती है, चुपचाप सुनती है। यहाँ कुसुम ऐसी एक चरित्र है जो आम समाज में हमें देखने को मिलती है, जो चुपचाप सुनने वाली है, कुछ भी पति कहे लेकिन उसका उलट उत्तर वह नहीं देती। और यहाँ भुवनेश ऐसा पात्र है जो अपने पुरुष होने का गर्व उसे बहुत ज़्यादा है, और कुछ भी करने के लिए वो एक स्वतंत्र है, और कहता है कि मैंने तुझे जो आज़ादी दी उसका तुम गलत फ़ायदा उठा रही हो। पुरुष स्त्री, यहाँ भुवनेश के द्वारा ये कहना कि मैंने तुम्हें आज़ादी दी हुई है, यहाँ आज़ादी देने वाला पति है पत्नियों को, और वही आज़ादी का गलत फ़ायदा पति ही उठाता है, लेकिन पत्नी नहीं उठाती, लेकिन उसके चरित्र पर संशय लिया जाता है, यह बात स्पष्ट करने जैसी है। फिर शुभांगी को सामने बुलाया जाता है, उसको पूछा जाता है कि निमेश की और तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, तब वो बता दी कि पेंटिंग के सिलसिले में हम मिले थे, और इस वजह से प्रेजेंटेशन जब हुआ था, और उस प्रेजेंटेशन में उसने मेरी पेंटिंग की तारीफ की, जब मैं उसके घर गई तो मैं भीगी हुई थी, उन्होंने अपने कपड़े दिए मुझे पहनने के लिए, मेरी केयर की और हम दोनों एक हो गए, तो वो आपसे मेरी और उनकी शादी की बात भी करना चाहते हैं, इन दिनों वो बाहर गए हैं। कुसुम ने जिस तरह सोचा था, शुभांगी ने जिस तरह सोचा था कि भुवनेश अब कितना हंगामा खड़ा कर लेगा, लेकिन वैसा होता नहीं है, वो चुपचाप सुन लेता है, और उसको कहीं ना कहीं डर लगता है कि मैंने जो किया मेरे बच्चे भी वही करेंगे, तो जीवन बर्बाद हो रहा है, हम किस राह पर चल रहे हैं, और इस कारण उससे पश्चाताप होने लगता है, उसको बुखार चढ़ जाता है, और टेंशन के मारे वो घर से बाहर नहीं निकलता, बीमार पड़ जाता है। पति बीमार पड़ गया, कुसुम को बहुत चिंता होती है, वो आलोक के साथ मिलकर निमेश की पूरी जानकारी निकालती है, इसकी केयर भी करती है, मतलब इसको डॉक्टर के पास दिखाना और सब तरह की उसकी सेवा भी करती है पति की, ठीक है। अब आलोक भी आता है, जब आलोक और कुसुम बातें कर रहे हैं, ये सोया हुआ है, कौन, भुवनेश, और इन दोनों
दोनों की जब बातें सुनता है तब उनको अपने विचारों पर या अपने किए गए संदेह पर, अपने शक पर एक तरह से पश्चाताप होने लगता है, ग्लानि होने लगती है कि मैंने अपनी पत्नी के बारे में और आलोक के बारे में ऐसा कैसा सोच लिया। तो उसे, उसके मन में जो कुछ भाव थे, गलत विचार थे, वह सब धो जाते हैं, मतलब एक तरह से निकल जाते हैं और वह उसका मन निर्मल हो जाता है अपनी पत्नी के प्रति, आलोक के प्रति। और निमिष एक अच्छा लड़का है जिसको नौकरी भी मिली हुई है और वह उसको बुलाया भी गया है आलोक द्वारा कि शुभांगी की तबीयत ठीक नहीं है बोलकर छूट गएगा। निमिष आ जाता है, निमिष को सारा मामला पता चल जाता है कि शुभांगी बीमार नहीं है, शुभांगी के जो पिता बीमार है। तो वह अपने पिता स्वरूप ससुर की माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि आप हम आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दो, और दोनों के रिश्ते को लेकर यहाँ दोनों पति पत्नी राजी हो जाती। कुसुम तो पहले से राजी थी, यहाँ भुवनेश भी राजी हो जाता है। और यहाँ ऐसा दिखा है कि दोनों के आशीर्वाद से शुभांगी और निमेश की शादी हो रही है, और यही आशीर्वाद जो माता पिता के आशीर्वाद से हुआ तो आशीर्वाद होता है। अगर माता पिता का आशीर्वाद नहीं है और बाहर कहीं भाग के चल जाकर अगर ये शादी करते हैं तो भी माता पिता आशीर्वाद नहीं दे पाते। तो एक आदर्शवादी, संस्कारी और चरित्र किस तरह पुरुष बदलता है और स्त्री वैसे ही घर में, बच्चों में, परिवार में, पति में डूबी रहती है और अपने लिए कम, अपने पति के लिए ज़्यादा जीती है, वैसे ही स्त्री का चित्रण इसमें आया है। इसमें कुसुम एक अलग तरह से चित्रित हुई है जो हमें आम समाज में, कहीं भी समाज में उसका रूप देखने को मिलता है, जो पति की हर गलती को चुपचाप देखे अनदेखा कर दी है, चुपचाप सह लेती है, वैसे ही कुसुम का यहाँ चरित्र है। और भुवनेश जैसे कितने ही पुरुष हमें समाज में मिलेंगे जो बात बात पर अपना रवैया बदलते हैं, बात बात पर अपने चरित्रों को बदलते हैं और कितने ही स्त्रियों के जीवन को बर्बाद करते हैं। और जब अपने बच्चों पर बारी आती है तब उन्हें कभी एहसास होने लगता है कि हमने जो किया वो गलत किया, और इसी गलती के कारण जो अंत में यहाँ भुवनेश बदला हुआ हमें नज़र आता है और निमिष और शुभांगी के शादी को तैयार हो जाता है, एक तरह से उसका बदला हुआ रूप हमें नज़र आता है। कहानी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी होती है और शुभांगी और निमिष की शादी हो रही है, जैसा मैंने शुरू में कहा था। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से हम इतना ही समझ सकते हैं कि इसमें एक दाम्पत्य जीवन का चित्रण तो है ही, पति पत्नी का रिश्ता किस तरह विश्वास पर टिका हुआ रहता है। अगर वो विश्वास टूट गया तो बाद में जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जैसा माता पिता करेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे और वही संस्कार बच्चों पर होते रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम बच्चों पर वही संस्कार करते हैं। और जैसे गलती की उसकी तो सजा मिलने वाली है, और यही बात हमें दिखाई गई है। और यहाँ पर बच्चों को संस्कारित करने में स्त्री का ही हाथ नहीं होता, माता पिता दोनों का भी हाथ होता है। यहाँ कुसुम को ही दोषी ठहराया जाता है जब शुभांगी ने ये कदम उठाया प्रेम का, तो ये एक बात स्पष्ट करने जैसी है कि पिता ही उतने ही जिम्मेदार है जितनी जो माता है। तो दोनों को मिलकर अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए, यही इस कहानी के माध्यम से हमें संदेश मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुषमा सिंह की आशीर्वाद यह कहानी समाप्त होती है। आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम मिलेंगे जल्द ही एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।